ठीक है सर, कोई साथी और तो नहीं देना चाहता इसको? आइए आइए, अरे दिवाली पे आइए, पीछे से आइए। ए तुम्हारा भी कार्यक्रम का तय हो गया, आइए आइए आने दो। हम उनके साथ हैं, बेटियों के साथ हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। कई लड़कियों के ऊपर एफआईआर भी हो, ये सरकार को एफआईआर वापस लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हाँ जानते हैं, ए लो सोना मिल रहा है, चांदी मिल रही है। तेरा भी जन्मदिन है मुझे पता है, ज़्यादा नहीं निकल जाएगा। वो शेर ये है कि आपकी शख्सियत को मैंने कहा है, जो ये है कि सर से पातक गुलाबों का शजर लगता है, सर से पातक गुलाबों का शजर लगता है, बावजूद हो के भी छूते हुए डर लगता है। अच्छा बीजेपी के खिलाफ कुछ भी सुना दो। अच्छा बीजेपी के खिलाफ ये है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, बहुत सही। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। ऐसे और इस सरकार का कोई विजन नहीं है। समाजवादियों ने वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था, ये पता नहीं क्यों पुलिस के सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। हम उन बेटियों के साथ हैं, उन डायल 100 डायल 112 की बेटियों के साथ हैं। समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, जो उनकी डिमांड है, अगर 3000 रुपए बढ़ाने की बात है तो 6000 भी बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करें। मैं कह चुका हूँ, जो बात नारी बंधन नहीं, नारी को बंधन बांध के रखा हुआ है इन्होंने। आप चिंता मत करो, आप भी मदद करो उनकी। सर मुकदमा भी किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ बोलिए। ये जो ये मुकदमे मेडल्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, इसलिए मेडल्स हैं। नौजवान और किसान दोनों के, ये नहीं कहा, इसका एक नेता ने कहा कि नौजवान और किसानों को हम कंधे में बिठाए हुए हैं। कौन है ये नेता जी ने कहा है? कौन है? भाजपा नेता पता ही नहीं। ये रास्ता ढूंढते हैं कि किससे कमाई हो। जैसे फसल बीमा है तो फसल बीमा में किसानों से किस ले ली, लेकिन किसानों को जब मदद की समय था तो मदद नहीं की, उससे मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को कमा दिया। ये उससे बड़ी बात है, 33 लाख करोड़ रुपए, 33 लाख करोड़ तो मार्केट में है, और नोटबंदी से 15 लाख करोड़ जो फ्रॉड जो नुकसान था उसकी भरपाई कर रहे थे नोटबंदी से। नाम है ना उसका, क्या है ये?
अच्छा वो मैं करा दूँ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है सर, एक सर। अरे वो डर गया भाई, इतने कैमरे में ये देखो, ऐसे देख के ऐसे करोगे तो ABCD भी भूल जाएगा। वो सोच रहा पता नहीं कौन लोग हैं, ये बंदूक लगा दिया आगे। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है बोलने के लिए। अरे बीजेपी को ना नौकरी देनी है, ना रोजगार देने हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अरे कम से कम एक्सप्रेस वे लखनऊ से बना देते हरिद्वार के लिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस वे बनाना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उत्तराखंड के हैं, तो कम से कम उत्तराखंड को जोड़ने के लिए लखनऊ से एक्सप्रेस वे बनाना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे से लाभ होगा, जो तुम कह रहे हो उससे क्या लाभ होगा। अनाउंस करिए ये हमारे, अरे कुछ हमें भी तो देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी स्वागत करने के लिए आए हैं। ये अब्दुल अजीज साहब हैं, आसाम के पूर्व विधायक, आसाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय राष्ट्रीय की जाति सम्मान कार्यक्रम कर दिया। सर 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 आसाम का सर 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 स्वागत कर रहे हैं। खजांची तैयार हो गए, टोपी बना रहे हो। बजा दे बीन वहीं से। आसाम से ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।